गाजर की तो आपने बहुत चीजें बनाई होंगी, गाजर का हलवा, गाजर का बर्फी। तो मैं आज आप लोग के साथ गाजर का यूनिक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, इसके लिए हम 500 ग्राम गाजर लिए हैं। इसे अच्छे से छील के हम धो करके साफ कर लिए हैं। अब एक पैन गरम करेंगे, डालेंगे हम देसी घी 3 चम्मच, घी हमारा गरम हो गया। अब इसमें हम सभी गाजर डाल देंगे। सभी गाजर को हम घी में डाल दिए हैं। इसे एकदम हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। घी में फ्राई करने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए जब भी गाजर का रेसिपी बनाएं तो घी में ही फ्राई करें। आप इसे रिफाइंड में भी बना सकते हैं। देखिए, यहाँ हमारा गाजर बहुत अच्छे से घी में फ्राई हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। यकीन मानिए, ऐसे रेसिपी आपने कभी ना बनाई होगी ना खाई होगी। बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, और बनाना तो बहुत ही आसान है। अब इसे थोड़ा हम ठंडा होने देंगे। हुए सभी गाजर मेरे ठंडे हो चुके हैं। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे ऐसे। सभी कट किए हुए गाजर को हम मिक्सी के जार में डालेंगे। यदि गाजर ज्यादा हो तो थोड़ा कम ही डालें। इसको दो बार में हम ग्राइंड कर लेंगे और इसमें दूध और पानी कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे सूखा ग्राइंड करेंगे। देखिए, हम गाजर को कितना अच्छे से पीस लिए हैं। कोई भी गांठे नहीं है, बहुत अच्छा से पीस जाता है बिना दूध या बिना पानी का। घी में फ्राई किया हुआ गाजर, जिस पैन में हम गाजर फ्राई किए थे उसी पैन में हम, देखिए इतना घी है, इसमें घी थोड़ा ज़्यादा था, हम थोड़ा सा निकाल दिए हैं। घी उतना ही होना चाहिए जितना सूजी डूब जाए। वहाँ हम 1/3 कप सूजी लिए हैं। ये हमारा बारीक वाला सूजी है, इसे हम भुनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखें। यहाँ हमारा सूजी का कलर चेंज हो चुका है, देखिए बहुत अच्छे से भून चुका है। इसे हम ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें ही पीसा हुआ हम गाजर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम एकदम हम मीडियम टू लो रखेंगे और धीमी धीमी आंच पे हम इसे भुनेंगे। देखिए, हमारा गाजर और सूजी कितने अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम, आप चाहे तो चीनी डाल सकते हैं, हम यहाँ गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा 1 बॉल गुड़ था, लगभग 75 ग्राम के आसपास होगा। इसे हम तोड़ तोड़ करके डालेंगे। गुड़ डालने से ये रेसिपी और भी हेल्दी हो जाएगी, टेस्टी तो होगी ही, सर्दी में गुड़ तो खाना ही चाहिए। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप जितना मीठा खाना चाहते हैं अपने हिसाब से इसमें गुड़ और चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजर तो ऐसे ही मीठा होता है। एक बाउल में हम 1/2 कप दूध लेंगे और इसमें डालेंगे हम मिल्क पाउडर। ये 10 वाला हमारा मिल्क पाउडर है। हमारा दूध ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है, इसलिए 1 पैकेट हम और डालेंगे, मतलब टोटल इसमें हम 2 पैकेट मिल्क पाउडर डालेंगे। इसे मिक्स करेंगे। गुड़ और सूजी के साथ हमारा गाजर अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम जो मिल्क पाउडर घोल के रखे थे उसको डालेंगे, क्योंकि इसमें हम मावा वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये मिल्क पाउडर मावा का काम करेगा और टेस्ट एकदम बढ़िया आएगा इससे। इसका फ्लेम मीडियम टू लो ही रखें और धीमी धीमी आंच पर इसे हम 2 से 3 मिनट और पका लेंगे।
मिल्क पाउडर डाल करके इसे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है। देखिए कितना अच्छा से मिक्स हो चुका है, एकदम मावे के फॉर्म में आ गया है। लग ही नहीं रहा है कि इसमें हम मिल्क पाउडर का घोल डाले हैं। देखिए हमारा सूजी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, एकदम सॉफ्ट, कहीं हाथ में चुभ नहीं रहा है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे इलायची, 4 इलायची हम कूट करके रखे थे, इसका छिलका हटा देंगे और फ्लेवर के लिए इसमें हम इलायची डालेंगे। ये हम बादाम को पतले पतले पीसेस में कट करके रखे थे। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इलायची पाउडर और बादाम अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम थोड़ा देर ठंडा होने देंगे। बस इतना ही ठंडा मुझे चाहिए कि हाथ अच्छे से टच हो जाए। अब इसका हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। गाजर का हलवा, गाजर का बर्फी तो आप बहुत खाए होंगे, लेकिन ये देखिए एक बार गाजर का लड्डू बना करके देखिए, खाने में मज़ा आ जाएगा। जी हाँ, कितना मज़ेदार दिख रहा है ना, सच में। अब बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे स्टोर करके 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं। साइज अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। हम यहाँ लड्डू के आकार का ही बना रहे हैं, क्योंकि हम गाजर का लड्डू ही बना रहे हैं इसीलिए। देखिए हम सभी लड्डू बना करके तैयार कर लिए हैं। वाह, सच में कितना अच्छा दिख रहा है ना। अब इस पे हम थोड़ा सा पिस्ता लगा देंगे गार्निशिंग के लिए। ले लीजिए, हमारा गाजर का लड्डू बनके तैयार हो चुका है। यदि आप लोग का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। चाहें तो इसे 10 से 15 दिन स्टोर करके रख सकते हैं किसी एयर टाइट डब्बा में। सर्दी का मौसम है, बाहर भी नहीं खराब होगा, 1 से 2 दिन तक बाहर भी रख सकते हैं। यदि ज़्यादा दिन आपको स्टोर करके रखना है तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। फ्रीजर में मत रखिएगा, नहीं तो पूरा ही बर्फ़ बन जाएगा।